वास्तु के अनुसार प्लॉट या भवन के मध्य भाग को ब्रह्मस्थान कहते हैं। वास्तु के अनुसार ब्रह्मस्थान घर के अन्य वास्तु दोषों के कुप्रभावों को कम करने में सक्षम होता है। वास्तु प्रकृति से मनुष्य के सामंजस्य को बनाए रखने की वह कला है जो 10 दिशाओं तथा पंच तत्वों पर आधारित होती है। किसी भी दिशा या तत्व के दोषयुक्त हो जाने पर वास्तु नकारात्मक प्रभाव देने लगता है, जिसके कारण वहां निवास करने वालों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्लॉट या भवन के मध्य भाग को ब्रह्मस्थान माना गया है। पुरानी शैली के घरों, हवेलियों और महलों में ब्रह्मस्थान पर खुला आंगन जरूर होता था। खुला हुआ ब्रह्मस्थान घर के अन्य वास्तु दोषों के कुप्रभावों को कम करने में सक्षम होता है। घर के मध्य का यह स्थान थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। यदि हम ब्रह्मस्थान पर जल डालें तो वह चारों तरफ फैल जाए। इस जगह से गड्ढा या मकान का मध्य बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो गृह स्वामी को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है। यहाँ भारी फर्नीचर नहीं रखें, यथासंभव इस स्थान को खाली रखें। ब्रह्मस्थान में सीढ़ी, खंबा, भूमिगत पानी की टंकी, बोरिंग, सेप्टिक टैंक, शौचालय, इनका निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इस जगह पर झाड़ू पोछा आदि वस्तुएं बिल्कुल न रखें। सुख समृद्धि और निरोगी जीवन की प्राप्ति के लिए अपने घर का निर्माण इस प्रकार करें कि ब्रह्मस्थल दोष मुक्त हो। यह स्थान आध्यात्म और दर्शन से संबंध रखता है। इस स्थान पर नियमित रूप से भजन, कीर्तन, रामायण पाठ अथवा गीता का पाठ करने से दोषपूर्ण ब्रह्मस्थान से उत्पन्न हुई परेशानियों का निदान हो सकता है। अगर संभव हो सके तो इस स्थान में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFY News, हमेशा सच के साथ।